तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस रोमन रेंज को लेकर एक सैड न्यूज है, आइए देखते हैं आखिर वो कौन सी सैड न्यूज है। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है रिया रिपली और जे उसो को लेकर, इन दोनों को मिला वार्निंग आखिर किसने दिया और क्यों दिया। उसके बाद गाइस क्या सच में यहाँ पर बैकी लिंच का रिटर्न होने वाला है, आखिर कब और कैसे। उसके बाद गाइस आप इस लेडी को देख सकते हैं, इस लेडी ने इस बैनर की वजह से कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ, आखिर इस पर क्या लिखा ये देखते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो गाइस इस बार के जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी यहाँ पर 1.5 मिलियन व्यूअरशिप और उसका रेटिंग स्टार था 0.49। तो गाइस अगर कंपेयर करें पिछले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से, तो पिछले मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप जो था वो था यहाँ पर 1.43 मिलियन व्यूअरशिप और 0.54 रेटिंग स्टार था। तो गाइस जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि इस समय रोमन रेंज फुल टाइम रेसलर बन चुके हैं, ना कि पार्ट टाइम रेसलर, और इनको आने वाले सारे प्रीमियम लाइव इवेंट में इस समय एडवर्टाइज किया गया है, चाहे वो बैड ब्लड लाइन हो, क्राउन ज्वेल है या फिर सर्वाइवर सीरीज क्यों ना हो। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे उसो के ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जे उसो का जो ब्रांड नेम यहाँ पर ईट है, उससे रिलेटेड सारे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, जैसे की गाइस यहाँ पर टी शर्ट हो गया, ग्लव्स हो गया और कैप हो गया, उसके साथ साथ चश्मा भी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले रूमर्स के बारे में, जो की यहाँ पर रिया रिपली और जे उसो को लेकर। वैसे गाइस रिया रिपली और जे उसो दोनों मिलकर एक साथ कुछ ज्यादा ही इंजॉयमेंट कर रहे थे, तब यहाँ पर बैड मैथ्यू ने दोनों को वार्निंग दे दिया कि बिजनेस की वजह से दोनों एक साथ में थे, तब तो ठीक है, यहाँ पर अगर आउटसाइड बिजनेस के बारे में अगर देखे दोनों को तो ये ठीक नहीं होगा। वैसे गाइस रोमेज का जो अगला मैच है वहाँ पर लगभग कम्प्लीट हो ही चुका है, जहाँ रोमेज फाइट करेंगे यहाँ पर कोडी रोड के साथ, वो भी यहाँ पर क्राउन ज्वेल में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर फिन बैलर को लेकर। फिन बैलर फिजिक्स को लेकर काफी यहाँ पर फीमेल लेडीज सुपरस्टार जो की उनकी फैंस थी, जैसे की यहाँ पर नया जैक हो गए, उसके बाद बेली हो गए, बेकी लिंच, उसके बाद एलेक्सा ब्लिस और यहाँ पर और भी काफी फीमेल सुपरस्टार थी, जो की गाइस यहाँ पर फिन बैलर का काफी ज्यादा चाहते थे और वहाँ पर उनसे शादी भी करना चाहते क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉटेस्ट थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है इस लेडी को लेकर, जहाँ इन्होंने अपने बैनर पे लिखा है कि आई क्विट माय जॉब टू बी हियर। तो गाइस इसका मतलब है कि वहाँ पर अपना जॉब छोड़कर इस मंडे नाइट रॉ को देखने के लिए आई है। और गाइस इस पर एक रेसलर का यहाँ पर रिएक्ट आता है मी टू पर, यहाँ पर पता नहीं कौन सा रेसलर था वो। उसके बाद आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये फोटो यहाँ पर AI के द्वारा बनाया गया, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर ये कैसा फोटो है रोमन रेंज का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर काफी दिनों बाद यहाँ पर जॉन सीना का मैच ऑफिशियली कंफर्म होने जा रहा है। अब गाइस यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिर जॉन सीना का मैच आखिर किस रेसलर के साथ होने वाला है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है यहाँ तो बैकी लिंच काफी करीब आ चुके हैं यहाँ पर WWE में एक बार फिर से रिटर्न करने के लिए। वैसे गाइस यहाँ पर बैकी लिंच WWE से ब्रेक ली हुई काफी दिनों के लिए। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है डस्टी रोड को लेकर, यहाँ पर इनका भी जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया साइन था वो समाप्त हो चुका है NXT का। तो गाइस यही आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो की हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।